वयं राजन्य यदा विशिष्ट प्रतुरंग इत्रीर आमंत्रितो जनतायाश्च पालः प्रजा निरन्नेक्षित पृष्ठ एत्य छुक्षाम देहा पतिम प्रवोचन। मैत्री महर्षि कहते हैं यदा जब हे अंगारे विदुर पृतः विप्रैर अभिषिक्तः जनतायाश्च पालः आमंत्रितो, जब जो है इन ब्राह्मणों ने मुनियों ने पृथु महाराज को राज्याभिषेक कर दिए, उसके बाद ही जनतायाश्च जनता का जो पालन करने वाला इसको प्रजाओं ने आमंत्रित कर दिया, या जनता का पालन के लिए ही आमंत्रित कर दिया गया। पृथु के सामने प्रजा आ गई, कैसे? निरन्ने क्षिति पृष्ठे एत्य, कहते हैं कि देखो कैसे आई हुई ये लोग, क्षिति तले सती पृथ्वी के ऊपर रहते हुए भी एकदम भूखे रहने वाले लोग थे। क्षिति पृष्ठ क्षिति तले निरन्ने निरन्न होकर के भूखे होकर के आकर के कैसे सबके सब थे प्रजा का विशेषण, छुत्क्षाम देहा भूख से दुबले पतले हो गए थे शरीर जिनका, ऐसे समस्त प्रजा थे। पतिमभ्यवोचन, अपना पतिदेव जो राजा है उनके प्रति उन्होंने इन वचनों को कहा। प्रजाओं ने क्या कहते हैं वे, वयम राजन जाठरे नाभितप्ता तथा गृणा कोटरस्थेन वृक्षा कामद्ययाता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरपतिर्नः। हे राजन वयम जाठरे नाभितप्ता, हम लोग जो है जाठ रागनि के द्वारा पीड़ित हो चुके हैं, उसी प्रकार जैसे कोट रागनि से वृक्ष सूख जाता है। कोठर कहते हैं जो वृक्षों में जो छेद बना देते हैं ना पक्षियां, और किसी के कारण से उसके अंदर आग लग गई, वो अंदर वो जो आग है वो धीरे धीरे वृक्षों क्या करता है, सुखा देता है, नष्ट कर देता है, कोठर अग्नि कहते हैं उसको। कोठरों में पड़ गया जो अग्नि, वह अग्नि जिस प्रकार से वृक्ष को नष्ट कर देता है, उस तरह आज हमारे जो जाठ अग्नि हमें नष्ट कर दे रहा है। इसलिए अद्य शरण्यम त्वाम शरणम याता, इसलिए शरणागत वत्सल आपके शरण में हम सब के सब आज आए हुए हैं, क्योंकि आपने भी संकल्प करके बैठे हुए हैं। यह साधितो वृत्तिकर पतिर्नः, हम सबका वृत्ति प्रदान करने वाला स्वामी पति के रूप में आप स्वयं साधित हुए हो, इसी कारण से हम आपके शरण में आए। संपादित सहित मैंने विप्रैर मंथरेण संपादितो, विप्रों के द्वारा मंथर आदि के द्वारा आपको निष्पान करके राजपद पर संसाधित कर चुके हैं, अतएव हम आज आपके शरण में आए। नहीं तो आज तक किसके शरण में नहीं जा पा रहे थे, भूखे पैसे पड़े थे, कितना तो मर गए अकाल पड़ के, नहीं लेकिन कौन किसके शरण में जाता, किससे बोलता, कौन सुनता, कोई सुनने वाला थे नहीं। और आज विप्रो ने जो है आपको राजा बना के बिठा दिए है, इसलिए आज हम आपके शरण में आए हुए हैं। देश कैसा, किसरे से टपटांग प्रधानमंत्री, महिला अधिकार कानून बनाने जा रहे हैं क्या करोगे? तो हम लोगों के सबका पाप है, नतीजा है कि ऐसे राजा लोग बैठ रहे हैं, मायावती जैसे बैठ रहे हैं, अब आगे सपना देख रहे हैं सोनिया जैसे बैठ जाए, अब पता नहीं क्या क्या हो गए संसार में, मिलेच्छों का अधिकार चलेगा, और धीरे धीरे एक दो जगह तो आ ही चुके हैं आपके हिजड़े, वो वहां तो प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर पता नहीं और क्या क्या कानून बनेंगे, ये हिजड़ा अधिकार कानून बनेगा फिर। हाँ तो इसीलिए ये सब संसार है, तो हम केवल उनका दोष नहीं कहना चाहिए, अपना भी दोष है। प्रजाओं का एक कर्म ऐसा है जिसमें उस देश का शासन ऐसा हो जाता है, उभयता है एक तरफ से नहीं लेना कभी। तन्नो भवान इह तु रातवे अन्नम क्षुदार्थ तानाम नर देव देव यावन श्याम उज्जितोर्जा वार्ता पतिस्तंकिल लोकपालः।
ने कहा भगवान तन न रातवे अन्नम यह तो कहे तस्माद इसलिए नाम ने अस्मानम अन्नम रातवे रातुम धातुम यह तुम ये तो ये था मितं करो तो इतना हम सबको अन्न रूपी धन प्रदान करने के लिए अन्न रूपी धन प्रदान करने के लिए राधातु है धन अर्थ में होता है रातु शब्द राधव है अन्न रूपी धन प्रदान करने के लिए आप विशेष प्रयत्न कीजिए। क्षुधार्तता नाम नर देव देव ना कई व्याख्या है क्षुधार्तता नाम भूख से पीड़ित हम सभी के लिए अन्न प्रदान करने के लिए आप जो विशेष अन्न दान करने के लिए विशेष प्रयत्न कीजिए हे नर देवों का देव प्रथम महाराज। और प्रयत्न ये नहीं कि हम अभी योजना बना रहे हैं हम सोच रहे हैं हम देख रहे हैं ये सब भाषा है ना आजकल के हमें गृह मंत्री का हम तो देख रहे हैं जी हम समझ रहे हैं हम करेंगे ये क्या भाषा है इन लोगों की समझ में नहीं आती कहते हैं इसीलिए प्रजा भी जान रहे हैं कहीं आडवाणी जैसे पृथ्वी ना हो जाए हैं देखेंगे करेंगे अरे कब होएगा मर जाने के बाद करोगे इसलिए कहते हैं मरने से पहले करना यह आवन अन्नम श्याम है जब तक हम मर न जाए उसे पहले ही कर दो हमारे लिए बाद में करूंगा ये बात नहीं चलेगी। उच्छित उच्छित ऊर्जा अत्यक्तान्ना सत्य ऊर्जित ऊर्जा मैंने त्यक्तान्ना सत्य त्यक्त अन्न वाले होकर के हम मर जाए उससे पहले पहले आप हमारे लिए अन्नदान कर दीजिए नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा बाद में पिंडदान करना पड़ेगा पहले करोगे तो अन्नदान करोगे मरने के बाद प्रजाओं के पिंडदान देनी पड़ जाएगी है इसीलिए हम लोगों के जो है ये त्यक्तान्न वाले हैं उचित ऊर्जा मैंने त्यक्तान्न वाले होने के कारण से हमारे नाश होने के पूर्व ही आप पहले से अन्नदान कर दें क्योंकि हम इसलिए आपसे बात को कथन कर रहे हैं आप लोकपाल है हम सबकी जीविका का पति वार्तापति हैं आप वार्ता पति वार्ता जीविका पति हम सबके जीविका प्रदान करने वाले स्वामी आप होने के नाते हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मैत्रेय वाच जब मैत्रेय जी कह रहे हैं जब प्रजाओं ने इस प्रकार से राजा पृथु से कहा तो राजा पृथु सोचने लगे क्या बात है क्यों हमारा देश में अकाल पड़ गया और तत्काल करना होगा ये नहीं कि सोचेंगे देखेंगे नहीं तो मना कर दिया उन लोगों ने आप ही करो तुरंत जो करना है जैसे पंडे बोलते ना अरे भागवत में आप ही दान करो भोजन भोजन ये दान दुनिया वरदान पंडित लोग यही संकल्प भोजन करते जबरदस्ती करा देते हैं भागवत का क्या भरोसा है अभी करो प्रजा भी करे मर रहे जा रहे हैं अभी करो तुरंत करो तुरंत दान महाकल्याण। तो मैत्रेय उवाच प्रजानां करुणं निशम्य परिदेविदं दीर्घं दध्यो गुरुश्रेष्ठ निमित्तं स्वमपद्यत प्रजानां करुणं परिदेवनं निशम्य प्रजां की पतिम अभ्योचन दसवां श्लोक 10 और 11 ये दो श्लोक प्रजाओं ने कथन किया है। प्रजोवाच प्रजा उवाच वहां नहीं है लेकिन समझ लेना इसलिए दोबारा मैत्रेय उवाच कहा बीच में प्रजाओं ने कहा इसलिए दोबारा मैत्रेय उवाच ऐसे कई बार हुआ है पहले भी प्रजानां करुणं परिदेवितं निशम्य प्रजाओं की जो करुणामयी वेदना से भरी हुई उनके दुख को देख करके पृथु ने बहुत लंबी ध्यान लगाई दीर्घम दध्यो गहरी ध्यान किया बहुत गहरी चिंतन किया इसका कारण क्या है और निमित्तम स्वरूपदित वह तुरंत ही वो निमित्त को जान लिया ओ क्या कारण है इसका सब गड़बड़ घोटाला कहाँ है पृथ्वी में है पृथ्वी किसी भी बीज को जो सस्यशाली नहीं होनी चाहिए है ना ससु श्यामला हम कहते कि नहीं वंदे मातरम में अब वैसा नहीं हो करके उल्टा हो गई अब वंदे मातरम नहीं रह गई अब वंदे मातरम हो गई है इसलिए इसको काटो पृथ्वी महाराज कहते यह वंदना करने लायक नहीं है तो काट के टुकड़े कर दो इसको ये दुष्टा हो गई उन्होंने ध्यान से जान लिए क्या हुआ क्या समझ रहे हो
इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासरः संददे विशिखं भूमे क्रुद्धस्त्रिपुरहायता। इस प्रकार से निश्चित बुद्धि वाला व्यवसितासन बुद्धिया व्यवसिता बुद्धि से निश्चय करके प्रगृहीत शरासनः धनुष को उठाए और विशिखं एक विचित्र पूछ वाले एक विलक्षण जो बाण को संधान करके भूमि की ओर लक्षित करता है, पृथ्वी माता की ओर लक्षित करके छोड़ने को तैयार, उसी प्रकार से वे जैसे त्रिपुर राक्षस को नाश करने के लिए शिवजी अनुसंधान बाण को किए थे, क्रुद्ध होकर इस तरह से उन्होंने किया। तब पृथ्वी ये जान करके गौरव धन करके भागने लगी तेजी से वहां प्रवेपमाना धरणी निशाम योदायुधं चतम गौ सत्यपात सत्यपात भीता मृगुद्रुता। प्रवेपमाना धरणी वह धरणी कांपती हुई उदायुधं चतम निशाम्य, क्यों कांप रही है वो अस्त्र शस्त्र को उठा करके तैयार मारने के लिए, उस पृथु को देख करके घबरा गई वो कांपती हुई गौ सती मने गौ रूप धारण करती हुई अपात्रवत वाच भीता अपात्रवत भयभीत होकर दौड़ने लगी। उसी प्रकार मृगी व मृगयूर्द्रुता जैसे व्यास जो है दौड़ा रहा है मृग को, उसी प्रकार आगे आगे गौ दौड़ रही है, पीछे पीछे पृथु महाराज दौड़ने लगे हैं। दौड़ करने वाली है कामधेनु स्वरूप है पृथ्वी, इसलिए गौ के रूपक दिया जाता है कि सर्व प्रकार के औषधि अन्न सब कुछ पृथ्वी से होता है, इसीलिए हर जगह कारण बता देना आपको, कारण इतना ही है कि वो कामधेनु स्वरूप है, सब कुछ प्रदान करने वाली है, रत्नों का खान है, कोयले का खान है, कौन चीज का खान नहीं है पृथ्वी में, क्यों लेने की पेड़ पौधा फल अन्न धन दे रही है, सब कुछ अंदर ही है, इसके अंदर सब कुछ होते हैं, इसलिए कामधेनु स्वरूप होने से इसको गौ किस जो है उपमा दिया जाता है। अपाद्रवीता मृगिवृदा पितो अत्यरुणे क्षणः शरम धनुष संधाय यत्र यत्र पलायत तामन जावत तद्वैन्या वेन का पुत्र पृथो भी उसी का पीछे पीछे दौड़ गया और जल क्रोध भड़कुटा अत्यरुणे क्षणः आंगे अत्यधिक लाल हो गई शरम धनुष संधाय यत्र यत्र पलायते। शर को बाण को धनुष पर चढ़ा करके जैसे जहां जहां जिस दिशा की ओर दौड़ रही है पीछे पीछे वो भी दौड़ पड़ी सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चांदरं दयो धावंती तत्र तत्रैनं दर्शानुद्यतायुधं। कहते सा दिशो विदिशो सा देवी पृथ्वी देवी दिशाओं में विदिशाओं में और ऊपर अंतरिक्ष में द्युलोक में सब जगह दौड़ गई। अन्य समयों में देखो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती थी, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाती थी, अब नहीं पहुंच पाई। जब वास्तव वो सच्चाई पे हैं तो उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं, आज सच्चाई पे नहीं है आप जितना भी भटक गए आपको कोई रास्ता नहीं। यह तात्पर्य इतना ही है जब सत्य निष्ठावान है व्यक्ति उसके लिए सन्मार्ग खुलता है, ब्रह्मा जी मिल जाएंगे, ब्रह्मा सर वो शिव जी के पास जाएंगे, विष्णु के पास जाएंगे, सब जगह रास्ता मिल जाएगा। यदि आप असत्य निष्ठा होकर के दौड़ेंगे कहीं शरण खोजेंगे कोई देवता रास्ता नहीं देगा, सब दरवाजे बंद है। पृथ्वी की सृष्टि किस लिए हुई थी, वो काम वो नहीं कर रही है, को नहीं है पूरी है, अभी बताएगा आपको बातों से पता लगेगा, जबरदस्ती कर रखी है वो, जबरदस्ती वो रोक रखी है, तभी वो कहती है आपने मेरे को सृष्टि किया बहुत मक्खन लगाएगी, अभी तो उसमें सारी बातें कहेगी, अपनी गलती मानेगी वो, तो शुरू में साबित करेंगे ही, इन बाद में कहेंगे नहीं नहीं सब दोष उसी का ही है, स्वयं कहेगा तेरे जैसे वो मारना कोई पाप नहीं पृथु कहे, तुम गाय बन जा मरे, गाय को भी टुकड़े टुकड़े काट के मैं जाए गो मांस खिला दूंगा,
लेकिन वो उसे पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे ऐसे बड़ा पाप है जो तुमने किया। तुमको बनाया ही है तो प्रजाओं के अन्न देने के लिए, और तुम प्रजाओं को अन्न नहीं दे रही, ये सबसे बड़ा पाप। माँ है बच्चों को जन्म दे और फिर बच्चों को दूध न पिलाओ, माँ क्या है वो? माँ माँ ही नहीं है। जो बच्चों को दूध ना पिला बच्चा मर रहे तो छटपटा रहा है, मर रहा है, उसको दूध ना पिला रही, वो अपनी तर्क देगी और फिर तो अपना तर्क देगा, दोनों तर्क देगा तब पता चलेगा पृथ्वी की ही गलती। देखो विचार आएंगे सब। धावंती कहते आप क्या हुआ, लोके नाविंद त्राणम धावंती तदर तत्रा, तब तक दिशाओं में जहां जहां भी गई है लोग पर लोग सब जगह वो क्या देखी, एनम उद्यतायतन अनुदर्श, वह अस्त्र उठा करके खड़ा हुआ पृथ्वी को पीछे पीछे देख रही हर जगह, जहां जाए वहीं पर धर्म ग्रस्ता है अधर्मी को। जहां भी आप जाओ यही तो होता है पाप, जिसने भी आदमी ने किया है ना सच्चा पुरुष के सामने खड़ा नहीं हो सकता, चाहे जितना भी हो कितना भी अपना मंत्री बन जाए संतरी बन जाए कुछ बन जाए सामने खड़ा नहीं हो सकता, जो गलत है उसके अंदर से वो धर्म खाएगा। क्या कहाँ जाएगा वो धर्म रूपा जो पिशाच है, वो अधर्म रूपी जो दुष्ट के पीछे लगा रहता है सदा। दृष्टांत देने जैसे हमेशा दृष्टांत किसका देते हैं, शिवजी के जैसे। शिवजी जो है मृगशिरा बनकर के गए नहीं आर्द्रा का पीछे, वो आर्द्रा नक्षत्र ने छिपने की कोशिश किया, रोहिणी बन गई सरस्वती, ब्रह्मा जी आर्द्रा बन गए, कहीं शिवजी मृगशिरा बनकर यूं मृगशिरा का स्वरूप ऐसा है आर्द्रा को ग्रसित करने को आज तक तैयार है, इस आकाश मंडल में साक्षी है। कहीं भी किंचित भी अधर्म हो उसके पीठ के पीछे धर्म सदा खड़ा रहता है, अधर्म सर उठा नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसे पृथ्वी में जो अधर्म अंश था उसका अंश धर्म रूपा पृथ्वी सदा पीछे पीछे दिखता है, कहीं भी हो जाए छिपने कोशिश करे वहीं पीछे वही है। जैसे ने कहा ना कहाँ है तुम्हारे भगवान, सब जगह कहाँ नहीं, धर्म रूपी परमात्मा कहाँ नहीं, कहीं भी जाओ वही है, सब जगह खंभे में हो गया सब जगह। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझे लोके नविंद त्राणम वैन्यान दौरिव प्रजा त्रस्ता तदा निवृदे हरे रविदो यदा, लोके त्राणम नाविंद तो वैन्यात, प्रतु महाराज से उसको रक्षा करने वाला कोई शरणागत देने वाला कोई भी व्यक्ति उसको नहीं मिला। उसी प्रकार जैसे प्रजा को मृत्यु ग्रस्त है, जो भी जन्मा है जात छिद्र वो मृत्यु, कोई बच नहीं सकता है, चाहे कहीं भाग जाओ कुछ भी कर लो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। इसलिए गरुड़ प्राण में दृष्टांत आता है ना, वहां कहते एक बार क्या हुआ, एक पक्षी का मरने का समय आ गया, अब लेकिन वो समुद्र में कतट पर बैठा हुआ है पक्षी, अभी हम दूत यमराज जी को कहते हैं महाराज ये पक्षी तो उड़ेगा तो अभी इसके मौत के क्षण से वो कई दिनों के बाद पहुंच पाएगा, क्योंकि इसका मौत लिखा हुआ है पर्वत की गुफा में, वहां इसको जैसे बैठेगा एक वो क्या उसको डंक मारता है ना, नहीं बिच्छू, बिच्छू मार करके मरना है इसको। लेकिन कैसे होगा, अभी छोटा सा चिड़िया कितना उड़ेगा, वो कई दिन लग जाएंगे इसको वहां से यहाँ, और बच्चा केवल तीन मुहूर्त है, ये कैसी व्यवस्था हो। तो यमराज जी ने ध्यान किया नारद जी का, नारद जी खट समझ में आई उनको, पहुंचे गरुड़ के पास, अरे मोर तुम नहीं जाग रहे हो, इसको सुरक्षा करो तुरंत, तुम्हारे प्रजा दुखी है, इसके जो है यमदू दिखाई दे रहे हो और रो रहे हो। अच्छा, तो तुरंत उसने उठाया उसको, खट से पहुंचा दिया उसी गुफा के अंदर, दरवाजा बंद कर दिया। वो समय आते ही ओ अंधकार, कभी पक्षी ऐसे रहा नहीं, गुफा के अंदर बंद कर दिया गया मौत से रक्षा करने के चक्कर में, और फटफटाया अंदर तो वो पिच्छू को लग गया, पिच्छू ने खट से मार दिया। जात से द्रोह मृत्यु वो छूटने वाला है, यथा प्रजाओं का पीछा मृत्यु छोड़ता नहीं जन्म के पश्चात,
उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस गौर धारण की पृथ्वी का पीछा पृथ्वी छोड़ता नहीं। त्रस्ता तदा निवृत अत्यंत त्रस्त हो गई, थक गई तो रुक गई, खड़ी हो गई, दौड़ने से फायदा नहीं है। हृदय न विदूयता, हृदय से कंपती हुई घबराई हुई वो तो खड़ी होकर बोलने लगी। वाच महाभागम धर्म ज्ञापन वत्सल भूतानाम पालने अवस्थित हो भवान। कहते हैं महाभागम प्रतिवाच, महाभाग महान पुण्यशाली व पृथु के प्रति गो माता कहने लगी, गौर धारण की पृथ्वी माता कह रही है, हे धर्मज्ञ, हे आपन्न वत्सल, माम भूतानाम यत्राही, जैसे अन्य समस्त प्रजाओं का पालन करने के लिए मेरे पीछे लगे हो, मैं भी आपकी शरणागत हो रही हूँ, अब मेरे भी आप रक्षा करो। चालाकी है ना, पहले क्यों भागी? त्राही माम अभी भूतानाम, क्यों? भवान पालने अवस्थित हो, भूतानाम पालने वस्तु था, अतः भूतानाम यथा तथा माम अभी त्राही, भूतों का पालन करने के लिए ही आप अवतरित हुए हैं, अतएव आप मेरा भी रक्षा कर दीजिए। स्वतं जिगांसते कस्मात् दीनां मकृतकिल्बिषां अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञैति यो मतः। अपने सफाई देते जा रही है, स्वतं जिगांसते कस्मात्, ऐसे जो आप सकल भूतों का पालन करने हुए के लिए आए और अब मैं भी भूतों में से एक हूँ, मेरे को मारने के लिए आप कैसी इच्छा कर रहे हैं? और मैंने कोई पाप किया नहीं, अकृतकिल्बिषां दीना, और मेरे कोई सहारा भी नहीं, कोई रक्षक की नहीं, और आप सकल प्राणियों का रक्षक होकर के भक्षक बन जा रहे हैं। अनिश्चित कथम योजना, और तीसरे पॉइंट में तो स्त्रियों औरत को तो कोई मारते नहीं, चाहे जितना भी गलती करे, और आप मेरे को मारने चल पड़े। सबसे पहला, आप सकल भूतों का रक्षा करने आए हुए, कोई मेरे को मारने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं दीन हूं। तीसरा, अकृत किलविश हूं। चौथा, मैं स्त्री हूं, और आप धर्मज्ञ होकर ऐसे कैसे कर सकते हैं? धर्मज्ञ तियो मतः, धर्मज्ञ करके जो लोग जानते हैं आपको, वो कल क्या कहेंगे? आप ऐसे होकर कैसे कर सकते हैं? बड़ी चालाक औरत है। प्रहरंती नवैत्रीषु स्त्रीषु कृदागस्वपि जन्दवः किमु तत्तद्विधाराजन् करुणादीन वत्सलाः। प्रहरंत नवै स्त्रीश, अरे स्त्रियों को तो पीटाई भी नहीं करते, हत्या तो दूर की बात, आम दुनिया कौन? जंतवा, आम जड़ बुद्धि वाले जीव भी कृतागस्वपी, पाप की हुई अपनी पत्नी को डांटेंगे भले, स्त्री को मारेंगे भी नहीं, पिटाई नहीं करते, तो हत्या करने की बात करें। तो जड़ बुद्धि वालों से भी आप जो धर्मज्ञ करके इस तरह से कैसे काम कर सकते? किमु तत्त्वविदा राज, हे राजन, किमु तत्त्वविदा करुणा दीन वत्सलाः, आप जैसे करुणा सागर पुरुष लोग और दीनों के प्रति प्यार प्रेम रखने वाले आप जैसे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, एक और खतरा ही होता रहे, देखो डराती भी, ये औरत जात की स्वभाव यहाँ दिखा रहे वास्तव, मेरे में तुम्हारी रोटी कैसी चलेगी, जैसे कहते हैं ना औरत, देख लेती हूँ चली जाएंगी मायके, तुम्हारी रोटी पानी बंद हो जाएगी, जैसे कि वही पैदा हुई रोटी खिलाने वाली, नहीं धा धाट, क्या बोलते हैं, धौंस दिखाना है ना, धौंस दिखाना, ऐसे बोलते हैं ना इसको, धौंस दिखाना। वैसे ये भी बोल रही है, मेरे को काट रहे, तेरी प्रजा जीएंगे कहाँ, पृथ्वी नहीं रहेगी, तेरा प्रजा कहाँ खड़े होंगे, धौंस दे रही है। मां विपाट्या जराम नावम यत्र विश्वं प्रतिष्ठितं आत्मानं च प्रजाश्चेमा कथं मम वशी धास्यसि। तुम जल में इनको कैसे धारण करोगे बताओ? मां विपाट्य अजराम नावम, मैं कैसी हूं? कभी जरा को प्राप्त न होने वाली ऐसी विलक्षण नौका हूं, जो इस जल में समुद्र के बीच में खड़ी हूं, कभी न डूबने वाली, कभी न बुढ़ियाने वाली ये विलक्षण नौका है पृथ्वी, जिसमें समस्त प्रजा और तुम स्वयं भी खड़े हो। राजा ध्यान रखो, यदि मेरा नाश करोगे, इसका मतलब क्या? पृथ्वी का नाश होगा,
तुम और तुम्हारी प्रजा सब समुद्र डूब के मर जाए, क्या कर लोगे? धौंस दिखाना हुआ ये और है क्या? तुम भी नहीं रह सकते, ना तेरे प्रजा रह सकते, जिनके लिए तुम मेरे वध करने चल पड़े हो। संभल जाओ, विवेक करो, घबराओ मत। प्रजाश्चिमा, तुम अपने खुद को और ये सारे प्रजा खत्म मम्मसी धार सकती, तुम इस जल में कैसे धारण कर सकोगे? पृथुर्वाच, ज्यादा बोल रही है लगता है, नहीं? पृथुर्वाच कहता है, पृथु महाराज जो समझ नहीं रहे, एक साक्षात हरि है, अब समझ रहे जब सारी बातों कहेगा तब। ये हरि है, कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं है। वसुधेता वधिष्यामी मच्छासन परामुखीं भागम बरिशिया वृंदे न तनोति च नो वसु। आ गया ना, दो महान पाप कर रही है पृथ्वी, एक ईश्वर के शासन का विरुद्ध चल रही है। और सूर्य कहे आपने मेरे को पैदा किया लेकिन दुनिया में सब पापी है, इसे मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। दुनिया पाप कर क्या कर क्या नहीं कर, उसे क्या लेन देन तुम्हारा? तुम्हारा ड्यूटी है 24 घंटा घूमते रहना, प्रकाश दे रहा हो तुम करो। इधर नहीं करेगा तो ईश्वर के शासन का विरुद्ध चलना हुआ तो सूर्य भी दंडनीय हो जाएगा। तो पृथ्वी को भी चाहे राजा जैसा है या उसकी प्रजा जैसे, उसे क्या लेन देन है? तुम अपना ड्यूटी करो, तुम्हारा काम है अन्न देना, अन्न दो खत्म। जैसे देखो कई कहानी मालूम पहले से हो गया था, बेटा जो होगा राक्षस होगा, जितने को मालूम हो गया था ना, कहा कि तुम्हारा पोता जो होगा वो महान निकलेगा, फिर भी क्या उसने दूध नहीं पिलाया बच्चे को, मार डाली गया, गला घोट दी। माँ का स्वभाव यह है जब मालूम पहले से हो जाए मार दुष्ट होगा, खुद माँ को ही मार देने वाला हो जाए मालूम हो तो भी वो माँ ऐसे नहीं होगी जो बच्चे को दूध पिलाएगी नहीं, गला घोट देगी। फिर महान मैंने अत्यंत नीच औरत होगा को जो को इसमें बच्चों की गला घोट देगी। और तुमने मेरा अनुशासन का विरुद्ध चलिए, ईश्वर अनुशासन के विरुद्ध चलिए, तुम्हारा उत्पत्ति हुई थी इन प्रजाओं को अन्न प्रदान करने, वो तुम नहीं कर रहे। दूसरी पॉइंट क्या है, ये भी कह दे रहे हैं, देखो ये नहीं कि इन प्रजाओं ने अपना नित्य कर्म हवन जो करता है ना, तुमको बलि भेंट नहीं दिया क्या? पृथ्वी के लिए देते ना आप ही, जब भोजन खाते हो पंचभूत बलि नहीं करते हो, वो तो तुम खा रही है माल्टा लोगों का दिया हुआ और लोगों को देने को तैयार नहीं। तुम कदे कह रहे ना स्पष्ट, भागम बरिशिया वृंद, बर्री में याग में जो तुम्हारा भाग है उसको तुम ले लेती हो, न तनो तिचनो वसु, इन हम लोगों के लिए अन्नादि धन का विस्तार करना चाहिए वो तुम नहीं कर रही है। दो बड़ा गलती हो कि नहीं वो पृथ्वी का, एक तो ईश्वर की सृष्टि के अनुशासन के खिलाफ चलना, दूसरा स्वभाव को ग्रहण तो कर रही लेकिन दे नहीं रही। शास्त्र में क्या है सिद्धांत है गीताजी में ना, परस्परम भावयन्तः, देवता लोग हमें देंगे और हम देवताओं को देंगे, परस्पर भावना होनी चाहिए। और केवल देवता खाए जाए और हमें न दे, ये देवताओं की गलती, और हम केवल खाए जाए हम देवताओं को न दे, हमारी भी गलती। हमारे गलती के लिए हम दंड भोगेंगे, वो गलती कर उनके लिए ईश्वर दंड देने वाला बैठा हुआ है, सबको दंड वही दे रहा है। यवसं चध्यनुदिनं नैव दोग्ध्योदसं भयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न शस्यते। रोज रोज तक घास खाई जा रही है, मोटी तगड़ी हो ही जा रही है और दूध तो देती नहीं है। अनुदिनं यवसं चक्ति, अनुदिन प्रतिदिन तुम यवसं, तुम्हारी अपना जो भाग है तुम खा रही हो, नहीं वो दोग्धी औदसं भयः, ये भी नहीं तो बांध जाइए तेरे अंदर जो है नहीं, औदसं भयः, दूध से भरा हुआ तुम्हारा थन है लेकिन तुम देने को तैयार नहीं, रोक ले रही है, अपने अंदर सुखा ले रही है, क्या बात है? मानी ये नहीं कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, देखो इन शब्द स्पष्ट हो रहे ना, सामर्थ्य नहीं है बात नहीं, पृथ्वी में पूरी सामर्थ्य थी। तस्याम एवं दुष्टाया, ऐसी जो दुष्ट है तुम, तुम्हारे को दंड देना कोई दोष नहीं होता। दंडो अत्र न शस्यति इति न, मैंने अवश्य में शस्यति इति अर्थ, नहीं तो दृढ़ता को निश्चय करता है। तुमने कहा ना अरे औरतों को पीटते भी नहीं तो मार कैसे जा रहे हो, मेरी हत्या करने चले आ रहे हो, ये उचित नहीं है, तुम धर्मज्ञ हो, सबका जवाब दे दिया, तेरे जैसे को दंड देने में
कोई दोष नहीं लग सकता है, देना ही चाहिए। बल्कि मैं क्या करूंगा तेरे को पता है, सुना देती हूँ। अमूषां छुत परीतारां आर्तारां तंखल ओषधि जाता ओषधि बीजानी प्राक सृष्टानि स्वयं भवा न मुंच स्यात्तरुद्धानि माम अवज्जाय मंददीहि। और दूसरी बात देखो, ये सामर्थ्य ने संकेत कर दिया था ना, वो जो संपय उसकी विस्तार कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर सारा बीज स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते रखा था, और तारस बीज आदि सामर्थ्य युक्त तुमको मैंने ही रसातल से उठाकर ऊपर लाया था, और आज मेरे ही अनादर कर रही है। कदे तुम खलु औषधि बीजाए प्राक सृष्टि, पूर्व से ही सृष्ट करके ही तेरे अंदर बीजों को रख करके ही तेरा जन्म दिया हुआ है, पृथ्वी का जन्म हो रखा है। किसके द्वारा? स्वयं भुवा ब्रह्मा जी के द्वारा। नमुंचसी आत्मरुद्धाय, और तुम उन बीजों का प्रवाहन करके सस श्यामला होनी चाहिए, नहीं हो रही है। और अपने अंदर में उसको रोक रखी है। वे कैसे रोक रही? माम अवज्ञा, मुझ ईश्वर का अवज्ञा करते हो। निश्चित से तुम मंद बुद्धि वाली हो। अमूषां छुत परीतारां आर्तारां बलिदेविदं शमयिष्यामि मद्बाणैर् भिन्नायास्तव मेधसा। इसलिए भले तुम गौरव धारण कर ली है, तुम सोच रही है राजा है गोवध नहीं करेगा, है बड़ी चालाक बन रही है तुम, है चिंता मत कर, तेरी भी काट काट के गोमांस में खिला दूंगा इन सब बच्चों को। कहते हैं अमुषां छुत परितारां आर्तारां परिदेविदं शमयिष्यामि। ये जो भूख से पीड़ित अत्यंत पीड़ा से युक्त समस्त प्रजा जो दुखी हैं, इनके दुख का मैं शमन करूंगा। कैसे? मत भाणीर भिन्नाया तव मेदसा, मेरे बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और एक एक मांस का टुकड़ा से हम एक एक के मुंह में डालकर सबका भूख को शांत कर दूंगा। लेकिन वो कही थी ना, फिर हमको मार डाले तो आप कहां टिकोगे, न तो आप प्रजा काटेंगे, सब डूबे मर जाएंगे। अरे हरी है, हरी किसको नहीं टिका सकता है, चाह चाह वहां टिका दे। जब अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को टिका सकते हैं तो क्या है, है? ये प्रजा क्या उनके लिए नहीं प्रति बना देंगे जो आज्ञाशाली नहीं है। इसलिए कहते हैं देखो, उमान योशिदु तक्लीबा आत संभावनो वधवः भूतेषु निरुक्रोशो निपाणं तद्वदो अवधः। चाहे पुरुष हो तो बारंबार कही ना, मैं स्त्री हूं, मैं दीना हूं, मैं आंवला हूं, अरे ऐसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे नपुंसक है, कोई भी हो, उसका वध करने में कोई पाप नहीं। क्यों? आत संभावनो अधम भूतेषु निरुक्रोशो निपाणं तद्वदो अवधः। जो आत संभावना है तेन उस संभावना को जो छिपा देता है, और जो जीवों के लिए अन्य भूतों के लिए जो अपना कर्तव्य करना चाहिए उसको नहीं करता है, उसका वध राजाओं के द्वारा होना ही चाहिए। वह वध भी अवध ही है, वो भी अर्थात मैं तुम गौरव धारण की तेरा वध भी कर दूं, ये वध नहीं है, अतः पाप नहीं हो सकता। कहते हैं आत संभावनोपी पुमान यशु तकलीफ अधम भूतेशु निरनुक्रोश निपाणं तद्वदो अवधः। क्योंकि वो वध जो करे क्रोध से नहीं, वो क्रोध यहां आ रहा है मतलब दुष्टता को देखकर क्रोध है, द्वेष से नहीं। धर्म की मर्यादा का पालन न करने से क्रोध होना वो सात्विक क्रोध है, द्वेष भाव से जो क्रोध है ना वो राजसिक क्रोध है, और स्व इच्छा की आपूर्ति के कारण से जो क्रोध आ रहा है वो अत्यंत स्वार्थ हो गया, वह क्रोध तामसिक क्रोध है। और सात्विक क्रोध धर्म की रक्षा के लिए जो प्रयोग हो रहा है वह क्रोध से उत्पन्न जो भी वदादि है वह वदादि भी पुण्य है, पाप। ये यहां लक्षित कर बता दिया, और उसका जवाब दे रहे हैं, ताम स्तप्तां धर्मदां नीता मायागां तिलशरैः आत्मयोग बले नेमा धारिष्यामि हम प्रजा। तुम पूछे ना कहां रखेंगे बच्चों को, प्रजाओं को, मैं स्वयं धारण कर लू, मैं समर्थ हूं। क्यों? अब उसको समझ में आया जब ये शब्द प्रयोग किया ना भगवान ने, माया गाम
मैंने झूठी गौरव धारण की हो, तुम असलियत में पृथ्वी हो, मैं तुम्हें पहचान रहा हूं। अब समझ लेती शब्द के द्वारा यो हो, इसका मतलब ये साधारण राजा नहीं है, अब बदल जाएंगे खट से। औरत देखो कितनी जल्दी बदल जाती, तुरंत पैर पकड़ने की, प्रणाम हो महाराज, आप परम पुरुष आया, बोलते भगवान ही तुरंत बदल गए। पहले तो धौंस दिखा रही है, बड़े धर्म कर्म की बातें करने लग गई, ये कोई धर्म नहीं है, आप प्रजा पालक होकर हमको मार रहे हैं, हम भी तो प्रजा हैं, ये वो बड़ा डायलॉग हमारी है। और अब एकदम पैर पकड़, तुरंत पैर पकड़, स्तब्धाम, क्योंकि तुम स्तब्ध हो, ठीक हो, दुर्मजा हो, तुमको नित्वा माया काम, तुम कैसे और माया गोरूप धारण करी, इसे तुमको पकड़ करके ले करके तिल शरी सर से तिल तिल टुकड़ा करूंगा। आप योग बले ना करने के बाद कहां जाएंगे तुम सोच रही, आप कहां रहोगे, अरे प्रजा कहां रहेंगे। आत्मयोग बले ना, मेरे अपने अंदर ही माया है, इतना योग बल है जिसके द्वारा मैं नई पृथ्वी बना करके उस सारी प्रजाओं को स्थापित कर सकता। आत्मयोग बले ना इमा प्रजा अहं च धारयिष्यामि, इन समस्त प्रजाओं के सहित मैं अपने आप को धारण कर एवं मन्युमयी मूर्ति कृतांतम विभ्रतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वेपतो। इस प्रकार के क्रोधमयी मूर्ति जो कृतांतम विभ्रतम मृत्यु के समान, कृतांत के समान, मृत्यु के समान धारण करते, यदि भी मृत्यु क्रोधमय होता नहीं, मृत्यु तो कदक सदा शांत रूप है, मृत्यु कभी क्रोध नहीं होता। मन्युमयी कहते हुए कृतांतम कह दिया, इसलिए क्योंकि ये वर्तमान में साप्तिक क्रोध को अपनाए हुए हैं और मेरी मृत्यु का रूप में आ गए हैं सामने, इसलिए उपमा दिया हुआ है। कृतांतम इव आगतम विभ्रतम धारण करता हुआ उस मूर्ति बुदा पृथु को देख करके प्राह मही संजात वे पुतो प्रांजलि सन प्राह, सारा शरीर कांप रहा है, प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोल पड़ी पृथ्वीवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तता गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुतो द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। कहते कि देखो आप जो भाई परम पुरुष परमात्मा हमने जान लिया है, इसलिए आपको सबसे पहले हमारा नमस्कार है। जो कि कैसे है आप मायया विन्यस्त नाना तनवे, माया के द्वारा नाना शरीर को धारण करते हैं, अब मुझे पहचान लिया, आप माया के द्वारा पृथ्वी शरीर धारण कर मेरे सामने में है, इसलिए आपने शब्दों को प्रयोग किया मेरे शासन के विरुद्ध तुम चल रही हो। क्यों पृथ्वी किसी राजा के शासन की अधीन नहीं होती है, ईश्वर के ही शासन अधीन हो सकती है। मच्छासन अधिकार पर मच्छासन परामुखी, उन शब्दों से और माया काम इत्यादि शब्दों के द्वारा समझ गई ये साक्षात हरि है, अवतरित और कैसे है आप गुणात्मने, और गुणात्मने गुणमय गुणा गुणमयत्व न प्रतीयमान है, निर्गुण होते हुए सगुण रूप में दिखाई दे रहे। नम स्वरूपानुभवेन, स्वरूप ही है अनुभूति है जिसका, स्वरूपात्मकत्व अनुभूति होता है जिसका, ऐसे स्वरूपानुभव स्वरूप परमात्मा के द्वारा निर्दुत द्रव्य क्रियाकार कवि भ्रमोर्मय निर्धुत द्रव्य क्रिया कारकेशु अर्थात क्या अधिभूत अध्यात्म और अधिदैवेशु विभ्रम अहंकार तन्निमित्त या उर्मयो राग द्वेषादिह तेषां रहितो यः सा। उर्मिया क्या राग द्वेषादि उन सब से निर्धुत, निर्धुत द्रव्य कारक क्रिया और कारक, द्रव्य हो गया अधिभूत, क्रिया हो गया आपका अध्यात्म, और कारक हो गया अधिदैव। इनके कारण से क्या होता है अर्थात शरीर इंद्रिया और मन, इनको लेकर क्या हुआ आपके अंदर अहंकार हो गया, उस अहंकार के कारण से राग द्वेष उर्मिया पैदा होते हैं, तारस उर्मियों से रहित जो पुरुष है वह परमात्मा है, इसलिए निर्दुत द्रव्य क्रिया कार्य ब्रह्मोर्मये नमः के साथ अनुवाद। और ये नहम आत्मा आत्मायतनम विनिर्मिता
धात्राय तोयं गुण सर्ग संग्रह सैव मामंतु मुदायुध स्वराण उपस्थितो वन्यं शरणं कमाश्रये। और वे भी बात बताइए, मैं और किसके आश्रय में जाऊंगी, अब शरण में जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा के माध्यम से आपने ही सृष्टि किया है और अब आप ही मेरे को मारने के लिए सामने आ गए, फिर अब किसके शरण में जाऊंगी मैं। ये राम आत्मायतन विनिर्मिता, समस्त जीवों का आयतन हूं मैं, जीवों का आश्रय हूं मैं, ऐसे मैं को जिनके द्वारा निर्माण किया गया है। ये धात्रा, ये तो अयम गुण संग सर्ग संग्रह, गुण सर्ग के जीव, इनको उनका संग्रह करने के लिए जिसलिए मैं पैदा कर दी गई हूं। सएव मामंतुम, ओ ब्रह्मा के द्वारा आपने पैदा किया और अभी आप ही जो मेरे को मारने के लिए उदायुध होकर के स्वरार सब प्रकाश परमात्मा उपस्थित, आप उपस्थित हो गए हैं, इसलिए अन्यं कम शरणम आश्रय, अन्य मैं किसके शरण में जाऊंगी बताइए। चराचरम स्वमाय आत्माशया वितर्कया तयैव सोऽयं किल गोप्त बुद्ध्यतः कथं माम धर्म परो जिघांसति। कहते कि देखो, जो इससे जो परमात्मा आदो एत चराचरम असृजत, यह सब चराचर की सृष्टि किए, कैसे सृष्टि किए, स्वमाया अपनी माया से, माया कहा थी, अपनी माया कहीं और रखी हुई थी, ला करके चला दिया क्या, कहते नहीं, आत्माश्रया स्वाश्रित माया के द्वारा अवितर्कया, जिसको जो है आप लक्षण के द्वारा सिद्ध करना चाहो है या प्रमाणों के द्वारा ग्रहण करना सको, ऐसी माया ग्रहण नहीं कर सकते आप। माया ऐसी चीज है जो कि लक्षण प्रमाण सिद्ध होने वाली वस्तु है ही नहीं, अतैव अवस्तु है, कि लक्षण प्रमाण आप वस्तु सिद्धि, तो लक्षण प्रमाण उसके यहां पर कहे वितर्कया, माने वितर्क के माध्यम विशेष रूप तरकारी प्रदान करके सिद्ध करने योग्य क्या होता है, वस्तु होते, और ये कैसी है, अवितर्कया माया, माने लक्षण प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ऐसी विलक्षण माया तत्व आपके अपने में आश्रित तत्व है, उसके माध्यम से आपने समस्त चराचर जगत को आदि काल में सृष्टि किए थे। तयैव सोऽयं किल गोप्त मुद्यतः, और उसी माया से अब आप क्या कर रहे हैं, स्वयं वह यह जो परमात्मा उसी माया के द्वारा गोप्त माने रक्षित मुद्यतः रक्षा करने के लिए उछल पड़े। कथन माम धर्म परो जिगांसति, ऐसे आप धर्म परायण परमात्मा अब मेरे को कैसी, मेरी हत्या कैसे कर सकते हैं, आप किस प्रकार कर रहे हो, ठीक है गलती है, लेकिन मैंने यह भाषा दूसरी है, वहां जो बोल रही थी वो अलग और यहाँ जो बोल रही अलग बात, वहां कस्मात या कथम, कथम वहां कस्मात जिगांश से, सत्वम कस्मात जिगांश से, यहाँ किस प्रकार कर सकते हैं आप, अर्थात आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है आप डरा रहे कर रहे सब, क्योंकि हमने गलती जो किया वो हम गलती एहसास करा रहे, स्वयं दोहन करके देगी सारी चीजें पता चलेगा तब। और नूनम बदेश सुनिहित तन्मायया दुर्जया कृता तभी न लक्षते यस्तकरो दकारयत यो अनेक एक परतश्च ईश्वर। इसे पता लगता पौरवा पर देखिए अब क्या कह रही है, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं, अब मैं क्या, ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान सकते, जब आप ऐसे माया में शरीर बना करके जब चल पड़ोगे ना, ब्रह्मा जी कोई नहीं पहचान सकता, आपकी लीलाओं को कौन पहचान, समझ ही नहीं सकते, कोई नहीं समझ सकता। अब मैं तो वैसे आपने ही बता दिया मंद थी है? मेरे को लेबल कर चुके, मोहर लगा दियो, मूढ़ बुद्धि वाली है, तो मैं कहां से पहचानूंगी आपको, मैंने ये सोचा कोई राजा मेरा पीछा पड़ गया है, इसलिए मैं जो है अपना थोड़ा बात कही, इना समझ में आ गया कि आप हरि हैं। नूनम बतेशस्य समीहितम, बता ईशस्य समीहितम, आप ईश्वर के द्वारा जो लीला में कार्य किए जाते हैं ना, माया माया के द्वारा तत् जनैहि न लक्ष्यते, वह लोगों के द्वारा कभी लक्षित नहीं किया सकता, नहीं जाना जा सकता है, कैसी हो माया उसका विशेषण किया दुर्जयया माया, कौन जान सकता है कौन नहीं जान सकता, विशेषण दे दिया कौन लोग नहीं जान सकते हैं, अकृता अविशुद्ध अंतकरण वाले जो मनुष्य है वो परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ सकते। यस्त्व करोत
अकारय, जो आप करते हो और कराते हो किसी भी चीज को वो नहीं जान सकता है। यो एक सन्नप अनेक, क्योंकि आप एक होते हुए अनेक हो जाते हैं। करतश्च ईश्वर, इतना नहीं, तेरे ब्रह्मणा, वो जो पर मानते हूं मैं, जो मेरे को सृष्टि शरीर देने वाला कौन हो ब्रह्मा, उसका भी आप ईश्वर। आगे ना पौरापर को देखिए, अब कथम जिघांससी, अर्थ बदल जाए कि नहीं बदलेगा, बोल वही रहे शब्दावली, मेरे को कैसे मार सकते हो, मेरे को कैसे मारोगे, देख लूंगा। एक अलग भाव होगा ना दोनों में, शब्दावली वही है भले, लेकिन भाव अलग है। पहले ध्वंस में था और अब प्रार्थना में, कि पौरा पर मान रही है आप ईश्वर है, आप किला कोई समझ नहीं सकते, मेरे से भी भूल हुआ समझ, क्षमा याचना भी करेगी, देखना सर्गादि शक्ति में द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मी तस्मय समुद्ध निरुद्ध शक्ति नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। सर्गादि अनुरुणत्य